अच्छे से पढ़ने सीख ली, अगर फीफा पढ़े ना उसमें इसमें क्या फर्क है? साथ में टेबल भी दे दिए हमने, ठीक है। अब वो जो पहली पिक्चर है वो क्या कह रही है, एन एक्टिविटी डन एट वर्क और एट होम, जहाँ पर भी आप घर में कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ भी स्पेस आपके पास घर में होना कि 10-5 फुट का स्पेस हो, वहाँ भी सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कोई बहाना नहीं रहता कि मेरे पास जगह नहीं है या मेरे पास ग्राउंड नहीं है या मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ करूँ। नहीं, आप किचन में भी कर सकते हैं। आज सर आप किचन में भी हांडी बना रहे हैं, हांडी को आप रख दिए बन रही है, आप उसके अंदर भी आप वॉक कर रहे हैं। देखिए अगर 5-6 कदम तो होंगे ना जी सर, अब उसमें भी आप अपना आपको मेंटेन रख सकते हैं अपने गोल। हम आपको देंगे ये वॉचेस जी सर, ये इसकी सारी मॉनिटरिंग हम करेंगे, खुद आपको फोन भी करेगा, हम भी करेंगे, आपको खुद पता लगेगा ये क्यों दिया है, ये किस लिए और क्या मान रहे हैं। तो जितनी एक्टिविटीज आप करेंगे ना वो सारा मॉनिटर होंगे, उसमें आपको बकायदा दिखाएगा कि आपने कितनी कलर्स में बर्न किए हैं, हार्ट रेट आपका कितना है। जितनी एक्टिविटी होंगी सबसे पहले हमें पता लगेगा कि आपका हार्ट रेट जब हम देखेंगे ना उस हिसाब में आपकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने कितना आपने वर्क किया है। वो पूरा ग्राफ होता है, पूरा ग्राफ होता है। ऐसा होता है कि एक लाहौर में एक फैमिली खातून थी, उन्होंने घड़ी यहाँ रखी थी, यहाँ पर जो जाता बाहर देख के पहन की थी, और जब शाम होती रात 12:15 बजे जब हमें उसका आता था मैसेज व्हाट्सएप पे, उसने 40,000-50,000 सब्सक्राइबर किए, ठीक है। हम हैरान परेशान, ये बंदा कर कैसे रहा है। खैर हमने थोड़ा सा हम खुद कन्फ्यूज हो गए स्टार्ट में, फिर हमने जो हम हेड कैम बैठे हमने मोबाइल निकाला, उसकी फीचर्स के साथ उसको सारा चेक किया, हमने उस बंदे को पकड़ लिया कि बंदा कहाँ से मार खा रहा है। 48,000-50,000-60,000 तक उसके डेली के स्टेप होते थे, कैसे होते थे। एक घरेलू खातून कितना घर में चलेगी, उसके 60-70,000 स्टेप होंगे। जब उसका हार्ट अटैक ने चेक किया तो वही पे वही वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर बढ़ गया। मतलब ये पूरा ये ग्राफ यहाँ तक नीचे तक आता है, मुझे आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन डू मच टू प्रिवेंट डिजीज एंड इलनेस, मेरा बताया भी। ये सब कुछ इतना सिंपल है कि अगर आप थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए तो देखिए कोई इतना बड़ा मसला आपके लिए नहीं है, ठीक है। इट कैन हेल्प यू लुक योर बेस्ट विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, गुड पोस्चर एंड गुड बॉडी। बिसाइड लुकिंग बेटर ये आपका हार्ट रेट, और ये जब आप ये करेंगे ना फोन से आप कनेक्ट करेंगे इसको, ये चीज़ आपके फ़ोन में आ जाएगी, तो आप डेली इसको मॉनिटर खुद भी कर सकते हैं। हम तो करेंगे, हमारे पास तो आएगा डेटा सारा, आप खुद उसको मॉनिटर करेंगे कितना मेरा हार्ट रेट कितना चल रहा है, मैं अपना चेक करता हूँ मेरा इस वक्त मेरा कितना चल रहा है। तो जितनी आपकी वर्किंग होगी फिजिकल एक्टिविटी होगी उस हिसाब से आपका हार्ट रेट, वैसे मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होता है हमारे एक सेल में, क्यों कम है, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये कि 40 एज तक उससे प्लस जो एज है वो कितना रहा कितना होता है पता है कुछ 10 समथिंग होता है उनका, 120 1-10-15 अबाउट समथिंग, हाँ इस इतना होता है सेलमैन जी, बिलो 40 80-90 जी। अगर ज़्यादा हो गया तो भी थकावट ज़्यादा होगी, एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कम है तो फिर भी मसला है, क्यों कम है वो फिर हमारी इंटरनल बॉडी कुछ के बीच में कुछ चीज़ कम है, ऐसी है कमी है जो उसको अपने जगह पे नहीं लेके आ रही, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, आप देखिए इस बंदे को किसी की ज़्यादा ज़रूरत है,
کرنی ہے اور بھگے اس کروانی ہے انشاءاللہ 5 سے یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں